कांग्रेस नेता जयराम रमेश प्रेस वार्ता कर रहे हैं। की भाषा को नकारा है, स्पष्ट तरीके से कहा है ये नहीं चाहिए हमें, और राजस्थान की जनता भी यही जवाब देगी। हमें पूरा विश्वास है कि ईडी और सीबीआई केंद्रित रणनीति, ध्रुवीकरण केंद्रित रणनीति राजस्थान की जनता ठुकराएगी, और 3 दिसंबर को साफ पता चल जाएगा प्रधानमंत्री को और उनके सहयोगियों को कि ऐसी रणनीति अभी चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता पीड़ित है, तंग है, हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, ऐसी राजनीति से, धमकी की राजनीति से, भय पैदा करने की राजनीति से, प्रतिशोध की राजनीति से। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे तो बहुत उपलब्धियां, ऐसे तो कई काम, प्रशंसनीय काम पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने किया है राजस्थान में, पर मैं 2 या 3 मिसाल देना चाहता हूं जो हमारे न केवल राजस्थान के लिए बल्कि हमारे सारे देश के लिए, सारे राज्यों के लिए एक मिसाल बन गया है। प्रधानमंत्री बार बार पिछले 9 सालों से गुजरात मॉडल की पूजा करते आए हैं, गुजरात मॉडल का जिक्र हमेशा करते रहते हैं, पर पिछले 5 साल में हम कह सकते हैं कि एक राजस्थान मॉडल भी आया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसा कोई राज्य नहीं है हमारे देश में जहां आपको चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के माफी एक योजना दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी अस्पताल में इस राज्य में 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकार की जिम्मेदारी है, मरीजों की जिम्मेदारी नहीं है। ये और किसी राज्य में नहीं है और मोदी सरकार ने भी नहीं किया। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में समझता हूं एक न केवल प्रगतिशील बल्कि एक क्रांतिकारी कदम है जो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में लिया है पिछले 5 सालों में। राजस्थान एकमात्र राज्य है, जहां शहरी रोजगार गारंटी कानून बना है। ऐसे तो मनमोहन सिंह जी के समय 2006 में फरवरी के महीने से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लागू हुआ, जिसमें भी राजस्थान सबसे ऊपर श्रेणी में है, पर राजस्थान पहला राज्य बना जहां शहरी रोजगार गारंटी के लिए कानून, विशेष कानून बना, और ये कानून के तहत कई परियोजनाएं की शुरुआत भी की गई राजस्थान के अलग अलग शहरों में। ये एकमात्र राज्य है, राजस्थान एकमात्र राज्य है हमारे देश में जहां जो आजकल गिग इकोनॉमी कहलाता है, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं जोमैटो के लिए, अमेजोन के लिए, जो ये भी एक रोजगार का एक रास्ता है हमारे नौजवानों का, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों से जो आते हैं, पर उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा के प्रबंध नहीं किया जाता है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पर क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है। पर राजस्थान पहला राज्य बना है जहां गिग इकोनॉमी में जो लोग लाखों युवा काम करते हैं उनको अभी एक सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान मिलेगा जब यह कानून पूरी तरीके से लागू होगा। राजस्थान पहला राज्य है हमारे देश में जहां गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात में गैस सिलेंडर 1150 या 1200 या 1250 रुपये सिलेंडर मिलता, 500 रुपया सिलेंडर राजस्थान में पहला राज्य है जहां ये हकीकत बनी। इसके अलावा राजस्थान में कर्जा माफी हुआ किसानों के लिए, बिजली 100 यूनिट तक मुफ्त बनाई गई, उसका सप्लाई फ्री किया गया, और पशु कल्याण, खास तौर से मैं कहूं
ये लंपी जो अपने को देखने को गुजरात में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, पर जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने इसका सामना किया, इसके लिए परियोजनाएं लागू की, मैं समझता हूं ये भी हमारे देश में एक मिसाल है। तो पिछले 5 साल में राजस्थान मॉडल बना है और उसी से घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री, उसी से परेशानी होती है प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, ये मुद्दाहीन बीजेपी है। इसीलिए बार बार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता है और बार बार प्रधानमंत्री और अन्य बीजेपी के नेता ध्रुवीकरण की भाषा में बोलते हैं। अगले 5 साल के लिए हमने गारंटियां दी हैं। ये गारंटी एक शब्द है, हालांकि एक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में गारंटी हो गया है, शब्दकोश में अभी शामिल हो गया है। कर्नाटक के चुनाव के बाद जहां हमने 5 गारंटियां दी थी, और गारंटी का मतलब है हम कर ही रहेंगे, यही मतलब है, और हम कर ही रहेंगे 5 साल में नहीं, पहले कुछ ही महीने में। और कर्नाटक की सरकार 1 महीने के अंदर ये जो 5 गारंटियां दी गई थी महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, समाज के हर वर्ग को, ये कदम लिए गए सरकार की ओर से, और उसी के अनुभव के आधार पर हम राजस्थान में ये 7 गारंटी दे रहे हैं कि अगले 5 साल में हम कर ही रहेंगे। 5 साल में नहीं, कदम लिए जाएंगे पहले कैबिनेट बैठक से ही, जब हमारी सरकार बनेगी, जब फिर से हमें जनादेश मिलेगा। मैं 3-4 प्रमुख गारंटियों का जिक्र करना चाहता हूं। जो गैस सिलेंडर है